हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस टाइप के नंबर जिनमें बार लगा होता है उनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बार का मतलब है कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैसे 0.6 है, इसका मतलब हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 0.666 और ये कंटिन्यूसली 6 बार बार रिपीट होगा इसका, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर ही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो अब हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है वो देखते हैं। हम 0.6 बार इसको हम मान लेते हैं ये एक्स है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हो गई है 0.666 ... अब हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 10 से? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर आपका बार है, तो इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स किया इक्वल 0.666 ... को इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x और इसको आपने किया तो ये हो गया 6.666 ... अब हम इसमें से जो x की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमारा आ गया 6.66 ... और x जो है वो है हमारा 0.66। तो हम 0.66 इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6 और यहाँ का तो सब 0 0 आ जाना है, तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है ये x की वैल्यू थी तो हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6+x, क्योंकि इसमें से हमने x की वैल्यू को ही माइनस किया है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब x को हम इस साइड में लाते हैं, लेफ्ट साइड में, तो ये 10x - x इक्वल टू 6 आ गया। अब 10x में से आपने 1x माइनस किया तो ये आ गया 9x इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू 6/9, इसको आपने कैंसिल किया 3 से तो ये हो गया आपका, x की वैल्यू आपकी आ गई है 2/3। अब 2/3 आ गई, इसका मतलब है 0.6 बार, या इसको बोल सकते हैं 0.666 ... इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो गया 2/3। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0.4, 7 और 7 के ऊपर बार है। अब यहाँ पर भी हम इसको मान लेते हैं एक्स मानते हैं, तो इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं 0.4777, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसको दोनों साइड में 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने x को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स इक्वल टू, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 0.4777 ... को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 10x और ये हो गया हमारा 4.77 ... अब इसमें से हम जो आया है 4.77 ... में से जो हमारी x की वैल्यू है 0.477 ... को अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? तो बच जाएगा हमारा 4.3 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद तो आपका 4.3 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 4.3 + x, क्योंकि हमने ये x की वैल्यू माइनस की थी इसमें से, तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं।
अब इस एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.3। अब ये हो गए आपके 9x, 9x इक्वल टू 4.3। तो x की वैल्यू फाइंड की तो ये आ गई 4.3 अपॉन 9। इसको डेसिमल हटा देते हैं तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 43 अपॉन 90। तो जो नंबर हमारा है मतलब कि 0.47 बार हम लिख सकते हैं 0.477 इसको हमने क्या माना था, x माना था, और अब इस x की वैल्यू आ गई है 43 अपॉन 90। मतलब कि इस नंबर को हमने p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0.001 और इसके तीनों डिजिट के ऊपर बार है। अब जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही जीरो वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको मान लेते हैं ये एक्स है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.001। तीनों रिपीट हो रहे हैं तो 0.01, 0.01 ये डैश डैश यही नंबर रिपीट होता है ना। तो अब क्योंकि इसमें थ्री डिजिट के ऊपर बार है तो हम दोनों साइड को करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो x को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू, और यहां पर ये जो नंबर है 0.001001 इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। ये हो गया आपका 1000x और यहां हो गया आपका, जब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका थ्री डिजिट ये शिफ्ट कर गया यहां पे, तो ये हो गया आपका डेसिमल, आ गया आपका 1.001001 इस टाइप से आपका नंबर आ गया। अब वही जो हम माइनस करते हैं एक्स की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे, मतलब 1.001001 में से हम माइनस कर देते हैं एक्स की वैल्यू, वो क्या है हमारी 0.001001 और इस टाइप से। तो अब आपका जो माइनस करने पर आया एक्स इसमें से माइनस किया तो ये बच गया आपका 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 1000x इक्वल टू 1+x। अब इस एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो गया 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1 और ये हो गया 999x इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 1/999। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका कि 0.001 बार ऐसे लगा के लिखें या हम 0.001001 इस तरह से लिखें, इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में 1/999 लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रैशनल नंबर